Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबरों का, जहां खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम गुरुवार यानी आज अपने पहले मुकाबले में सुपर 8 का मैच खेलेगी, जहां ब्रिजटाउन के किंगस्टन स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अफगानिस्तान टीम से ही मैच होगा, जो बड़े उलटफेर करने के लिए जानी जाती है। पिछले साल हुए वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को धूल चटाई थी, तो इस वर्ल्ड कप में वह न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर उन्हें कर चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम अफगानिस्तान को हल्के में लेने की भूल नहीं करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुकाबले में टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या होगा। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर अभिषेक त्रिपाठी, जो हमारे साथ सीधे वेस्ट इंडीज से ही जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी, जागरण टीवी में आपका स्वागत है। आज होना है अफगानिस्तान और भारत के बीच मुकाबला। भारतीय टीम सुपर 8 में पहली बार उतरेगी। सबसे बड़ी बात है, क्या वो अफगानिस्तान को हरा पाएगी? जी हाँ, इस मैच में भारतीय टीम फेवरेट है। अफगानिस्तान ने जरूर न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन वो वेस्ट इंडीज से हार कर यहाँ पर आ रही है अपना आखिरी मैच। उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, राशिद खान की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, राशिद खान की टीम ने वापसी की है। ये बारबाडोस स्टेडियम है, ब्रिजटाउन स्टेडियम, जिसको कहा जाता है कैंसिंगटन ओवल। कैंसिंगटन जो है बढ़िया स्टेडियम है, यहाँ पर एक हिस्ट्री रही है। बारबाडोस में बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, गैरी सोबर्स रहे हैं। यहाँ पे आप जब स्टेडियम के बाहर घुसेंगे तो आपको गैरी सोबर्स की मूर्ति भी दिखाई देगी, जिसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया भी था। यहाँ पर की अगर पिच की बात करें तो कभी यहाँ पे मेलकम मार्शल से लेकर एंडी रॉबर्ट से लेकर बड़े बड़े तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग यहाँ पर परफॉर्म करते थे और एक उछाल मिलती थी। लेकिन अगर इसकी पिच की बात करें तो कल के जो सुपर 8 का मैच होना है उस पर आपको फ्लैट ट्रैक दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक जो भारत ने अमेरिका में मैच खेले हुए थे वहाँ पर ड्रॉप इन पिचे थी, उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं बना, बड़े रन नहीं बने, दर्शकों को मजा नहीं आया। भारतीय टीम ने जरूर 3 मैच जीते, फ्लोरिडा वाला मैच जो है बारिश के कारण नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद वो मजा नहीं आ रहा था, अच्छे रन नहीं बन रहे थे। तो ICC ने यहाँ के जो मैदान कर्मी हैं उनको कहा है कि आप ऐसी पिच तैयार करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बने। तो कल जो मैच होना है अफगानिस्तान और भारत के बीच जो मैच होना है उसमें घास का एक भी तिनका नहीं दिख रहा है, पूरी फ्लैट पिच है और क्रॉस रोलर चलाए गए हैं। ऐसे एक पिच होती है, अमूमन रोलर ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है, ऐसे ऐसे एक विकेट से दूसरी विकेट की तरफ चलता है। लेकिन अभी जो है जैसे ये 4-5 विकेट का एक जो स्क्वायर होता है उस पर रोलर ऐसे ऐसे चलाए गए, ऐसे 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 रोलर इसलिए चलाया जाता है जिससे डबल बाउंस ना हो, पूरी पिच इवन हो जाए, कोई दोहरा उछाल नहीं हो, डबल पेस नहीं हो, जो जो अमेरिका में देखने को मिला था वैसा डबल पेस नहीं हो, सिंपल हो, बहुत ज़्यादा पेस भी नहीं हो। तो कुल मिला के बल्लेबाजों के लिए ऐशगाह बनाई गई है जिसमें बल्लेबाज कितना इंजॉय कर पाते हैं, कितने रन बनाते हैं, दर्शकों को कितना मज़ा आता है, ये देखने को मिलेगा मैच के बाद, मैच के समय भी मिल सकता है। और एक अगर भारतीय टीम की बात करें तो उसमें आपको एक चेंज दिखाई दे सकता है, वो है कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल में से किसी एक की एंट्री। राहुल द्रविड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच से पहले कहा कि इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, हमारे पास 8 नंबर तक बल्लेबाजी है क्योंकि हमने अभी तक 4 ऑलराउंडर खिलाए हैं। उसमें हमें देखना होगा कि एक बॉलर की एंट्री यहाँ पे पिच को देख कर वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस पिच पर हल्का टर्न भी मिल सकता है और तेज गेंदबाजों के लिए उतना कुछ नहीं होगा। तो मोहम्मद सिराज या आसिफ में से किसी को बाहर करके कुलदीप यादव या युजवेंद्र सिंह चहल में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा उसी तरीके से ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। बाकी वन डाउन पे ऋषभ पंत रहेंगे, ऋषभ पंत ने मैच में डे -1 पे प्रैक्टिस भी करी है और नंबर 2 पे सूर्या उतरेंगे। बाकी बल्लेबाजी लाइनअप लगभग वही रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम ऑलराउंडर में छेड़छाड़ कम ही करेगी, एक तेज बॉलर हटाकर एक स्पिनर को शामिल कर सकते हैं। ये आपका बल्लेबाजी लाइनअप रहेगा। इसके अलावा भारतीय टीम यहाँ से एक विजयी शुरुआत करना चाहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान और अगर बांग्लादेश को हरा देते हैं
ऑस्ट्रेलिया से हमें कड़ी टक्कर मिलेगी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाते हैं तो इसके बावजूद हम गयाना में होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये था पूरा आपको पहले मैच का सार। आप जागरण.com से जागरण टीवी से जुड़े रहें और उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ब्रिजटाउन से अभिषेक करपाटी।